गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण के अंतर्गत भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप हम अध्ययन कर रहे थे और भाषा के वैज्ञानिक स्वरूप के अंतर्गत हमने वर्ण विचार जो हमारा टॉपिक है उसको प्रारंभ किया था। जो वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को माना गया जिस पर भाषा की पूरी आधारशिला या भाषा का भवन खड़ा रहता है। वर्ण के बारे में हमने परिभाषा और मैंने कल लिखा दी थी कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उनको स्वर कहा जाता है और जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं या जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, आज हम जो है स्वर व्यंजन जो है व्यंजन के उच्चारण जो है उसमें हमने दो प्रकार से इसमें बताया था कि व्यंजनों का उच्चारण जो है दो प्रकार से होता है। एक इस उच्चारण प्रयत्न के आधार पर उसका उच्चारण और एक उच्चारण स्थान के आधार पर उनका। तो उच्चारण स्थान के आधार पर मैंने परसों की कल की कक्षा में पूर्व की कक्षा में बताया था। आज का हमारा जो है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर भेद, व्यंजनों के जो है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर भेद बताए। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर जो है व्यंजन के भेद बताए हैं, स्पर्शी स्पर्शी, दूसरा है स्पर्श संघर्षी स्पर्श संघर्षी, तीसरा है संघर्षी संघर्षी, चौथा है अनुनासिक अनुनासिक, पांचवा है पार्श्विक पार्श्विक, छठा है लुंठित लुंठित, सातवां है उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त, आठवां है अर्धस्वर अर्धस्वर। ठीक है, ये आठ भेद माने हैं किसके आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद। अब इसमें जो स्पर्शी जो है, स्पर्शी में क्या है कि जब मुख द्वार से जब वायु निकलती है तो वो स्पर्श करते हुए निकलती है। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु जो है संघर्ष करते हुए मुख विवर से किसी भी प्रकार से टकरा के निकलती है तो उसको हम कहते हैं स्पर्श। ठीक है, उसके अंतर्गत क्या आता है, क ख ग घ ये आते हैं। स्पर्श संघर्षी मतलब होता है जिसमें वायु स्पर्श करते हुए घर्षण के साथ में मुख विवर से निकलती है उसको हम स्पर्श संघर्षी कहते हैं। जब मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं तो उससे हवा कुछ रगड़ते हुए मुख विवर से निकलती है तो उसको हम स्पर्श संघर्षी कहते हैं, जिसमें च और च छ ज ये व्यंजन आते हैं। तीसरा है संघर्षी, इसके उच्चारण में मुख कुछ सकड़ा हो जाता है और इसमें जो है जब वायु निकलती है तो कुछ घर्षण करते हुए
निकलती है या कुछ आवाज आती है, शी शी की आवाज आती है, तो उसमें उन व्यंजनों का उच्चारण संघर्ष के साथ होता है। उसमें ख ग ज ख ग ज फ इन व्यंजनों को रखा जाता है। अनुनासिक जिसके जिनको बोलते हुए मुख के साथ साथ नासिका से वायु निकलती है, जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए मुख के साथ साथ नासिका से भी आवाज निकलती है, तो उसको अनुनासिक कहते हैं। ड है, ण है, ड ण न, ये बोलते हैं तो इसमें मुख और नाक दोनों से ध्वनि निकलती है, उसमें मुख इसको अनुनासिक कहते हैं। लुंटित, लुंटित में क्या आएगा कि र, जिसमें इसके उच्चारण में मुख द्वारा जीभ की नोक से सिग ही बंद हो जाती है, ठीक है। र र जो हमारे तलवे पे टकराते हुए सिकर जो है हमारा मुंह बंद हो जाता है। र र की ध्वनि जो है क्या है, पार्श्व इसमें आती है, ठीक है, पार्श्विक में आती है ल और इसमें र। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त में इसमें जीभ की नोक तालु को कुछ दूर तक छू कर मुख द्वार को झटके से खोलती है, अर्थात ड ढ ढ से ढक्कन वाला ढ ये आते। अब अर्ध स्वर, अब जैसा कि नाम से ही विदित है कि आधे स्वर, इसके बोलने से मुख द्वार बहुत सकड़ा हो जाता है और इस और हवा स्वर की भांति बीच से निकल जाती है। जैसे य व, ये स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। अब है कि प्राण के आधार पर कि अल्प प्राण की जिन स्वरों को बोलने में कितनी वायु की आवश्यकता होती है, उच्चारण करने में हम कितनी वायु को ग्रहण करते हैं। प्राण के आधार पर, प्राण के आधार पर भेद, प्राण के आधार पर दो है, अल्प प्राण और द्वितीय है महाप्राण। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि जिन वर्णों को उच्चारण में वायु कम लगती है, अतः जिनको जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास कम ली जाती है और तुरंत बोल दिए जाते हैं, उनको हम अल्प प्राण कहते हैं। इसमें लिखो, इसमें जिन ध्वनियों के उच्चारण में कम श्वास ली जाती है, उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं, ठीक है, अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। जैसे क ख, जैसे क ख ग और बहुत सारे स्वर हैं जिनके क ख ग क ख ज छ ण न प ब म य र ल, ये सब जो है कम वायु के उच्चारण से ही उच्चरित हो जाते हैं। और इसमें जो है महाप्राण में, जैसा कि नाम से है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु अधिक वायु की आवश्यकता होती है, उनको महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। इसके अंतर्गत ख घ छ झ द थ फ आदि जो है व्यंजन आते हैं। इस प्रकार से जो है वर्ण जो है कितने प्रकार के बताए हैं,
दो प्रकार के अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। इसमें लिखो उच्चारण कार्य है आपका, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन बताइए, साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा कर निकले, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, नियमित रूप से गर्म पानी का सेवन करें ताकि आप संक्रमण से बच सके। ओके, थैंक यू।